क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच कनेक्टिंग हो रहा है कि यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे 100% हमारा बैटरी बता रहा है। फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच को कैसे कनेक्ट करें फ़ोन से, हाउ टू कनेक्ट फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच टू फोन, ये पहले अपने फ़ोन में आना है। फ़ोन में आने के बाद आपको सर्च करना है, एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच में एक ऐप आता है जिसका नाम रहता है द फिट। यहाँ से सर्च करिएगा द फिट, ठीक है। ध्यान से जैसे जैसे करता हूँ वैसे करिएगा। तो द फिट यहाँ पे सर्च करेंगे तो द फिट के नाम से एक एप्लीकेशन आएगा जो कि आपके सामने यहाँ पे है। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल हो चुका है, इसको सिंपली आपको ओपन करना है। दोस्तों जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आएगा और यहाँ पे एड ए डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट करने के लिए। वरना आपको नीचे भी ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं, चार ऑप्शन में इसमें आपको इस पर क्लिक करना है, वॉचेस पे जो घड़ी है यहाँ पे बगल में तीसरा नंबर, यहाँ पे देखिए ये दूसरा नंबर जो है, यहाँ पे भी वही ऑप्शन आएगा एड ए डिवाइस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एड ए डिवाइस पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे टर्निंग ऑन ब्लूटूथ का ऑप्शन मांगेगा तो आपको ब्लूटूथ अपना ऑन कर देना है। अब ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा तो उसके बाद ये सर्चिंग करेगा और आपका जो फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच है, कोई भी फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच, यहाँ पे देखिए आ गया फायरबोल्ट 10 के नाम से आ गया। हमारा फायरबोल्ट 10 बहुत ही स्मार्ट वॉच सुंदर है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच कनेक्टिंग हो रहा है और थोड़ी देर में आपके सामने फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे 100% हमारा बैटरी बता रहा है, हमारा स्मार्ट वॉच यहाँ पे फायरबोल्ट 100 यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इसको देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब ये क्या करना है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कनेक्ट है कि नहीं है, तो देखिएगा ये वॉच फेसेस जो यहाँ पे है MS धोनी जी का, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे वॉच फेसेस 3 पे हमने जैसे क्लिक किया यहाँ पे सेट हो गया, इसका मतलब कनेक्ट है। और बहुत सारे वॉच फेसेस है, इसमें से आप कोई भी वॉच फेसेस क्लिक कर सकते हैं। देखिए वाइब्रेट हो रहा है, यानी फाइंड पे हो रहा है, तो इसका मतलब कनेक्ट है। अब पता करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आना है और आने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फ़ोन कॉल पे इस पर आ सकते हैं, देखिए प्लीज़ ट्राई पेयरिंग, यानी फ़ोन कॉल यदि बात करना होगा तो फ़ोन कॉल के लिए आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ब्लूटूथ को आप दबाए रखिएगा और फ़ोन कॉल से बात करने के लिए यहाँ पे फायरबोल्ट का ऑप्शंस मिल जाता है, इस पर फायरबोल्ट के नाम से आ जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए पेयरिंग पे लिख रहा है और यहाँ पे पेयर का ऑप्शंस मिलता है, पेयर पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप पेयर पे क्लिक करते हैं थोड़ी देर में आपका ये स्मार्ट वॉच देखिए लाइव प्रूफ कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। अब ऑल कॉल्स मीडिया भी आपका बात होने लगेगा, यानी फ़ोन कॉल से भी आप बात कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आते हैं अपने डायल में, फ़ोन डायल में, तो यहाँ पे हमारा फ़ोन कॉल्स है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से डायल पैड पे आते हैं और कोई भी नंबर डायल करते हैं तो यहाँ से हमारा डायल भी हो जाता है जो कि लाइव प्रूफ आपके सामने है। हमारा तुरंत ही फ़ोटो कैप्चर देखिए 3, 2, 1 और फोटो हमारा कैप्चर हो गया।